बताऊंगा कि आप अपने कंप्यूटर या पीसी को स्कैन कैसे कर सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपको एक बिल्कुल छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन के बटन को दबा देना ताकि आपको हमारी नई नई वीडियो बर वक्त मिल सके। तो दोस्तों, चलते हैं वीडियो की तरफ। आपने जाना, आपने सबसे पहले जो स्कैनर है उसको कर लेना इंस्टॉल। तो मैं पहले इसे इंस्टॉल कर लेता हूँ। वहाँ पर आपने राइट क्लिक करना है और रन एज कर देना है, रन कर देना। तो यहाँ पर जो है कुछ देर रन होने के लिए लगेगा, तो आपने कुछ यहाँ स्टेप फॉलो करने हैं। यहाँ पर एस पर क्लिक करना है। तो कुछ देर बाद यहाँ पे आपने ओके कर देना, यस कर देना। तो यहाँ पे आपने, यहाँ पर इंटरफेस ऐसा आएगा, तो आपने यहाँ पे नेक्स्ट कर देना, यहाँ पे नेक्स्ट, यहाँ पे नेक्स्ट और यहाँ पे इंस्टॉल पर क्लिक कर देना। तो दोस्तों, ये आपका जो स्कैनर है वो इंस्टॉल होने लग जाएगा। तो ये कुछ देर यहाँ पर इंस्टॉल होने के लिए लेगा, तो आपने कुछ देर यहाँ पर इंतज़ार करना है। तो दोस्तों, ये इंस्टॉल हो रहा है। तो इसके जो इंस्टॉल की तो दोस्तों, आपका जो स्कैनर है वो इंस्टॉल हो चुका है। तो यहाँ पे आपने कर देना फिनिश। तो यहाँ पे जाना है आपने डैशबोर्ड पर। यहाँ पे ये देखो आ गया है आपका स्कैनर, यहाँ पे क्लिक करना है आपने, इसे ओपन कर लेना है, यहाँ पे यस करना है। यस पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे आपने स्कैनर पर क्लिक करना है, यहाँ पे स्कैन ऑल ड्राइव पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे स्कैन कर देना है। तो यहाँ पर आपका कंप्यूटर या पीसी उसकी स्कैन होना शुरू हो जाएगा। तो ये काफ़ी टाइम लेता है, तकरीबन 10 से 15 मिनट लग जाते हैं कंप्यूटर या पीसी को स्कैन होने के लिए, क्योंकि ये इसने सारे पीसी का जो वायरस होता है उसको ख़त्म करना होता है, तो काफ़ी टाइम लग जाता है। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।